धीरे धीरे जब ये स्टेज और आगे बढ़ता है या हम चौथे पांचवें पदान पे जाते हैं या फोर्थ या फिफ्थ स्टेज पे जाते हैं, तो हड्डियों में दुखना, कैल्शियम कम हो जाना, फॉस्फरस बढ़ना, यूरिक एसिड बढ़ना और खून ऑन कम हो जाना, ऐसे लक्षण हमको मिलते हैं। सीकेडी या किडनी डिसीज किसको होता है? अगर हमको डायबिटीज लंबे समय से है, अगर हमको ब्लड प्रेशर जो अनकंट्रोल है लंबे समय से है, अगर हम ऐसे पेशेंट है जहां हमको रिकरेंट किडनी स्टोन्स हो रहा है, अगर हम ऐसे पेशेंट है जहां हमको रिकरेंट यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है, या हम जन्म से कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स के पेशेंट है जहां हमारे फैमिली में ऑलरेडी किसी को पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज या सिस्ट किडनी डिसीज के लक्षण है, और मुंबई या इंडिया जैसे में अननोन डिसीज जहां पे कोई फैक्टर्स नहीं है, केमिकल, टॉक्सिन्स, पेन किलर्स, ऐसी अत्यधि मल्टीपल रीजंस को हम कई बार अननोन डिसीज में रखा जाता है, ये प्रकार के डिसीजेस कॉमन है।